चित्रकूट से बांदा जा रही खाली बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं घायल कमलेश ने बताया कि हम और चालक बांदा जा रहे थे, तभी सामने से आ रही गाड़ी की लाइट पड़ने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें दोनों घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। तो आ रही थी, अच्छा, दाहिने से, हाँ, जो गाड़ी सामने थी हमारे उसमें लग चुका है, हाँ, और फिर मैं कंडक्टर सीट में था, हाँ, तो मेरे को तो मर ही जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने बचाया। रामा सेंटर के डॉक्टर सुरेश ने बताया कि अभी दो लोग 108 एम्बुलेंस लाए गए हैं, एक्सीडेंट का मामला बताया गया है, जिनको भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन दोनों की हालत समान है। अभी एम्बुलेंस के माध्यम से दो लोग आए हैं, कमलेश और सुरेश नाम के, संजय नाम के, और एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है और प्राथमिक उपचार के लिए उनको भर्ती कर लिया है और उपचार उनका चल रहा है। तो वहीं 108 एम्बुलेंस चालक ने बताया कि घटना खुरंड के पास एक बस ट्रक से जा टकराई, जिसमें दो लोग घायल हो गए, जिनको हम जिला अस्पताल भर्ती कराने लाए हैं। दोनों घायल चित्रकूट के सरदुसा के रहने वाले हैं। बांदा से अनवर रजा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।